शुक्र होगा। खरगोन जिला मुख्यालय पर मंगलवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई मंदिरों में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। ऐसे ही अटूट आस्था का जत्था खरगोन से महाराष्ट्र जाने वाले श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। जिले भर के करीब 200 से 300 गांव के श्रद्धालु 40 से 150 किलोमीटर पैदल यात्रा कर गुरु पूर्णिमा के दिन मध्य प्रदेश की सीमा से लगे पाल महाराष्ट्र आश्रम पहुंचेंगे। अलग अलग जत्थे में शामिल हजारों की संख्या में युवक युवतियां बच्चियां बच्चे महाराष्ट्र की ओर रवाना हुए। भजन कीर्तन यात्रा के दौरान शामिल श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए ध्वजा हाथ में थामे हुए आश्रम की ओर जाते दिखे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। समारोह खरगोन शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए शिवालयों के लिए श्रावण मास में शिव भक्तों के लिए गंगा जल से अभिषेक करें, इन सब की मनोभावनाओं को लेकर आज 15 जुलाई सोमवार के रोज भोलेनाथ महादेव भूत वावन महादेव के दिन के रोज गंगा जल का वितरण रवि जोशी मित्र मंडल और तिरुपति बालाजी भक्त मंडल के सानिध्य में रखा गया है। सैकड़ों और हजारों लोग गंगा जल प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े शिवालयों में महाकाल से लेकर ओंकारनाथ तक हमारे मध्य प्रदेश के दो ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ तक इस गंगा जल से अभिषेक होता है। आप सभी पधार कर इस गंगा जल को प्राप्त करें और अपने मनोरथों को पूर्ण करें। निर्माण की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि और शांति के लिए पिछले दो वर्षों से लगातार हरिद्वार से ऋषिकेश से गंगा जल लाकर श्रावण मास के पूर्व खरगोन की धर्म प्रेमी जनता को, खरगोन के आसपास के झीलों को और मेरे को लगता है कि गुजरात महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों में भी यहाँ से गंगा जल गया है। सभी जगह अच्छी बारिश की कामना के लिए श्रावण मास के लिए गंगा जल बुलाते हैं। प्रत्येक धर्म प्रेमी जनता, खरगोन नगर का प्रत्येक परिवार अपने घर में भगवान भोलेनाथ की श्रावण में जो पूजा अर्चना करे, तो हम चाहते हैं कि अभिषेक पूरे श्रावण मास गंगा मैया के जल से होना चाहिए। खरगोन के जितने शिवालय हैं उनमें अधिकांश शिवालयों में श्रावण भर गंगा जल से ही अभिषेक होता है और यही कामना लेके दो वर्ष पूर्व हमने गंगा जल का प्रथम प्रयास किया था। ये प्रति वर्ष है 25,000 लीटर गंगा जल हरिद्वार से 4 दिवस पूर्व चला, आज सुबह सुबह गंगा जल का टैंकर आया है। अभी सारे धर्म प्रेमी जनता के साथ शोभा यात्रा के रूप में नवग्रह मंदिर से गंगा जल लेकर गणेश मंदिर आए हैं। यहाँ अभी पूजन अर्चना किया है, उसके बाद गंगा जल का वितरण संतों के हाथों से शुरू करेंगे। वितरण गंगा जी का पूजन होगा पहले, उसके बाद संतों के हाथों पूजन होगा, धर्म प्रेमी जनता जो जोड़े से पधारे उनके हाथों पूजन होगा, उसके बाद वितरण का कार्यक्रम और महाप्रसादी का उसके बाद कार्यक्रम। किस प्रकार का मनोरथ था? मनोरथ कहीं नहीं है, तो निमाड़ की सुख शांति और समृद्धि के लिए एक प्रयास था जो तीसरा वर्ष हो रहा है। निमाड़ में अच्छी बारिश हो, अच्छी सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, इसके लिए प्रयास। यदि आप किसी